प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहु। आइए सबसे पहले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की बारगाह बेकश पना में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत से मुसलमान भाई नाखून को काट कर फेंक देते हैं। आइए मैं आपको बताता चलूं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, नाखून जन्नत का लिबास है। हमारे मुसलमान भाई नाखून को काट कर कचड़े में फेंक देते हैं। आप लोग इससे बचा करें, क्योंकि जन्नती लिबास है नाखून। कुछ ऐसे चीज़ें इंसान के अंदर हैं जो जन्नती हैं। आप लोग नाखून को काट कर दरिया में फेंक दिया करें, ताकि किसी का पैर ना पड़े। और बहुत से मुसलमान भाई ज़मीन पर थूका करते हैं, हर वक्त थूकते हैं, हालांकि इससे भी बचना चाहिए। जो शख्स ज़मीन पर बार बार बिला वजह थूकता है, फिकार कर थूकता है या ऐसे थूकता है, ज़मीन उसके लिए लानत करती है। बिला वजह ज़मीन पे थूकना नहीं चाहिए बार बार। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूँ और कहता भी रहूँगा कि मेरे चैनल को वही सब्सक्राइब करेगा जो मेरे चैनल से कुछ सीखना चाहता हो। मेरे कहने पे कोई सब्सक्राइब ना करे, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मेरा बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं दीन की खिदमत करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह दीन की खिदमत होगी और हो भी रही है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उससे कुछ सीखे भी, उसको शेयर करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, इस्लाम की दावत दें। और मैं जो कुछ बताता हूँ उसे अपने ही तक ना रखें, बल्कि उसको फैलाएं। इल्म को जितना फैलाया जाएगा उतना ही इल्म बढ़ेगा। अस्सलामु अलैकुम।